हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैग माई चैनल। तो यहाँ पर मैंने USDCHF में बाइक की एंट्री ली है, उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा। अगर हम यूरो USD चेक करें तो यूरो USD ऑलरेडी डाउन गया है। XX USD जब डाउन आए तो ऑटोमेटिकली USDXX ऑटोमेटिकली अप जाता है। जी देखिए, डाउन आया हुआ है अप। तो यहाँ पर CSM सेल और यहाँ पर CSM रीएंट्री फेल रही है। अगेन इसने क्रिएट किया CSA के बाय रीएंट्री बाय लो MA5 एंड 10। तो यहाँ पर मूवी एवरेज को भी रिजेक्ट करके प्राइस अब हमारी सेम है। यहाँ पर हमारा अगर हम BBMA में देख लें तो यहाँ पर BBMA में हमारी जो कैंडल है CSM सेल रीएंट्री सेल MA5 एंड 10 हाई, प्राइस डाउन जाना चाहिए। लेकिन अक्सर BBMA का इंडिकेटर जो भी CSM कैंडल सक्सेस नहीं रहती, और अक्सर हमारे जो बेस्टर में सेटअप होते हैं और सक्सेस नहीं रहते, तो ऑटोमेटिकली हमें दोनों तरफ का और XX USD USD XX हमें पहले एनालिसिस करने के बाद उनका फिर एंट्री जो हमारी सक्सेस रहने वाली होती है तो बाय और सेल की दी जाती है। तो USDCHF में हमारी कैंडल है। तो अगर हम यही सेटअप बाइस्ट्रा में देखें हमारी ये कैंडल है डोमिनोमिनेंट ब्रेक, कैंडल ने ब्रेक किया है, बुलिश एंगल फ्लिंग मीन प्राइस अप जाने की आवश्यकता है। तो अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारा डिमांड जोन है। डिमांड जोन में फर्स्ट सेकंड रीटेस्ट, तो VIP चैनल में इसका सिग्नल भी दिया है, और ये है हमारा VIP चैनल जिसके पर सारे सिग्नल दिए जाते हैं, रीटेस्ट इनवैलिड और बहुत सारे सिग्नल यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो हमारे यहाँ पर KOM बाय लो रिस्क हाई रिवॉर्ड इसके में सिग्नल दिया हुआ था और बताया था सपोर्ट को ब्रेक किया है, केयरफुल रहना है। ऑटोमेटिकली एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर ब्रेक को भी किया है और हमारा जो सिग्नल रहता है कैंसल नाउ, और 9 साल के बाद हमारा जो प्राइस है डंप होता है। तो यहाँ पर हम USDCHF में एंट्री लेते रहेंगे जब तक हमारा जो मार्क किया हुआ जोन है ब्रेक नहीं कर देता।